काशी में प्रत्यक्ष तो चार बार का इतिहास है कि काशी को चार बार नष्ट भ्रष्ट समाप्त किया गया, उसको क्रैश किया गया, और वस्तुतः वो सात बार किया गया है। काशी में नौ देवियों का मंदिर है और 56 विष्णु मंदिर हैं और 56 विनायकों का मंदिर है, और काशी पूरी तरह तांत्रिक विधि से प्रतिष्ठित है, इसीलिए वहाँ का ओज ऊर्जा परस्पर मिलती है। और जिस ज्ञानवापी की बात चल रही उसको ज्ञानोदय तीर्थ भी कहा जाता है, और संस्कृत में एक सूक्ति है ज्ञाने रीते ही न मुक्ति, काशी का सुप्रसिद्ध है कि भगवान शिव हर मृत आत्मा को तारक मंत्र देते हैं, तो ये उसी जल के आचमन से संभव है जिसे ज्ञानवापी या ज्ञानोदय तीर्थ कहते हैं। और दूसरी बात कि काशी के आज जो प्रत्यक्ष हैं, लगभग हम लोगों की दृष्टि में 10 वो स्थान हैं जो कि नष्ट किए गए, भ्रष्ट किए गए, ध्वस्त किए हैं, और वहाँ पे आज जिहादी तत्व अतिक्रमण किए हैं क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। काशी अष्ट भैरों से संरक्षित है, भगवान शिव की नगरी, तो उसमें लाट भैरव का एक प्रथम ये ईशान कोण पे अवस्थित मंदिर है और वहाँ पे कुंड है, और इस मंदिर का दक्षिण भारत में बड़ी मान्यता है। कीर्तिवाशेश्वर हैं, दक्षिण भारत में बड़ी मान्यता है। ओमकारेश्वर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पंचबिंदु माधवों का मंदिर पूरे कृष्ण जन्मभूमि से लगा दक्षिण भारत तक रहा है, तो उसमें एक बड़ा तीर्थ स्थान बिंदु माधव का मंदिर रहा है जिसको औरंगजेब ने उसी फरमान से ध्वस्त कराया था। उसमें ये वो स्थान है जहाँ रामानंदाचार्य जी की तपस्थली है, जहाँ कबीर के गुरु जी तप किया करते थे, और बड़ा भव्य मंदिर था। उस पर जहांगीरी एक मस्जिद बना दी गई है, बहुत विशाल सी है, आज देख के बड़ा कष्ट होता है। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम।